शर्मा जी, साल में 3-4 बार वही सब पेपर, वही सब झंझटे, वही ऑफिसर्स, वही कैलकुलेशंस। आप बोर नहीं होगे टैक्स भरते भरते, और वो भी दूसरों के? अरे हमारा प्रोफेशन है भाई, बोर क्यों होंगे? और हम टैक्स कंसल्टेंट है ही किसके लिए? आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए। मैं जानता हूँ जानता हूँ, लेकिन इतने सारे क्लाइंट्स, उनके इतने सारे पेपर्स, अकाउंट्स, वही फॉर्म्स, वही रिसीट्स। बाप रे बाप, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? 31 मार्च आ रहा है, टैक्सेस तो मुझे भी भरने। हम है ना फिर? आप है, मुझे पता है, इसीलिए तो इतने सालों से चल रहा है। लेकिन तकलीफ तो हमें भी होते ना। एक बात बताइए, ये टैक्सेस वैक्सेस होते क्यों हैं? हम भरते क्यों हैं टैक्सेस? ज़रूरत क्या है? मतलब मैं समझा नहीं। देखिए, हमारे लिए टैक्स स्लैब्स है, लेकिन हम कभी भी सीधे तरीके से टैक्स नहीं भरते। मुझे याद है, जब मैं आपके पास पहली बार आया था तो आपने मुझे पूछा था कितना टैक्स भरना है। मेरी टैक्स स्लैब चाहे जो भी हो, आपके कंसल्टेंसी से मैं जितना चाहूँ उतना ही टैक्स भर सकता हूँ, है ना? अब समझे हम फीस क्यों लेते हैं? भाई सोचो, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी खून पसीने की कमाई यूं ही सरकार को दे दे? अरे लेकिन सरकार चलेगी कैसे? सरकार चले ना चले, तुम्हें जिंदा रहना है। अगर सब कुछ सरकार को दोगे तो तुम खाओगे क्या और जियोगे कैसे? कुछ तो है जो इन सबके बीच रास्ता ढूंढ सकता है। कुछ नहीं भाई, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा, डेडलाइन मीट करने पड़ेंगे, दिमाग का झंझट उठाना ही पड़ेगा, और आखिर में टैक्स बचाने के लिए हमारे ही पास आना पड़ेगा। सोचिए, अगर हम आपके पास आए लेकिन टैक्स बचाने के लिए नहीं, इन्वेस्ट करने के लिए, तो यू मीन हम टैक्स कंसल्टेंसी बंद कर दें? अगर टैक्स हो ही ना तो आर यू ओके? सपने में हो क्या? सोचिए, ना टैक्स होगा, ना कोई डेडलाइन, ना पेपर वर्क, ना कैलकुलेशन, ना दिमाग खराब करने की जरूरत, ना कोई टैक्स बचाने का डर, ना पैसा छुपाने का डर। कैसे रहेगा? और हम क्या भूखे मरेंगे? सबके पास बहुत पैसा होगा, आप उन्हें वो पैसा इन्वेस्ट करने में मदद करेंगे, ऑडिट्स होंगे, प्रोजेक्ट फाइनेंस स्ट्रक्चरिंग होगा, आपके पास बहुत काम होगा। ऐसा पूरा दुनिया में कहीं नहीं है। शर्मा जी, अपने देश की देन है, फर्स्ट टाइम और मेड इन इंडिया, अर्थ क्रांति। अर्थ क्रांति? हाँ, अर्थ क्रांति सबकी लाइफ बदल देगी।